हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और गाइस, आज मेरा व्लॉग नहीं आया था और ये जो मैंने परसों व्लॉग डाला था उसके आगे का ही व्लॉग है। तो ये वीडियो है दो दिन का, एक तो जिस दिन मेरा बर्थडे था और उसके नेक्स्ट डे का। हम दोनों चल दिए हैं घूमने के लिए और ये शाम का टाइम हो रहा है, करीबन 4 बजे होंगे। तो दोनों माँ बेटा निकल लिए हैं घूमने क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी नहीं है। बेटे ने कहा कि मम्मा चलो घूम भी आते हैं और थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे, आपका बर्थडे भी है, इसी बहाने से चलते हैं दोनों। तो सबसे पहले जाएंगे हम लक्ष्मी नगर विजय चौक, तो वहाँ से करनी है थोड़ी सी शॉपिंग मुझे और उसके बाद करेंगे हम अपना लंच, क्योंकि आज लंच नहीं किया था। लंच क्या करेंगे, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा खाएंगे, लेकिन उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की थी। शॉपिंग करके अब आ गए हैं हम V3S मॉल दोनों ही, तो यहाँ से करनी है हमें शॉपिंग। तो देखते हैं क्या लेना लेंगे या क्या नहीं लेंगे, वो आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। और चलिए, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था क्योंकि जब ख़रीदा था तो शूट नहीं किया था, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में रह जाते हैं फिर अपना एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी। और अच्छा लग रहा था क्योंकि वैसे तो निकला नहीं जाता है, किसी बहाने से ही निकला जाता है। और अब ये बड़ा हो गया है तो इसके साथ ही मैं चली जाती हूँ, हस्बैंड का ज़्यादा वेट नहीं करती हूँ और उनको टाइम भी नहीं होता है। इससे खवा दो देखियो, गिरा दिया, मतलब ये करने चक्कर में याद दीजा। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, तो ये लेकर आई थी मैं ग्रोसरी का सामान। चलिए देखते हैं क्या क्या लेकर आई थी। एक पैकेट लाई थी मैं 1 kg का सूजी का पैकेट, क्योंकि सूजी भी काफ़ी यूज़ होती है। और ये है हल्दी का पैकेट, 2 लाई थी फॉर्चून, और एक थोड़ा डिफरेंट वाला दूसरा लेकर आई थी देखने के लिए कैसा होता है। ये है मदर मिक्स अचार और ये है कस्तूरी मेथी, क्योंकि मेथी थोड़ी सी ही रह गई थी। और ये है 1 kg है बेसन, और बेसन भी रखा हुआ था क्योंकि ये इस बार ना मैं 1 महीने का ही सामान लेकर आई हूँ। ये है गोल्डी की कश्मीरी लाल मिर्च, और इसके साथ लेकर आई हूँ मैं अजवाइन, और ये ऑर्गेनिक है ये वाली। और 2 लेकर आए हैं टूथब्रश, तो ये बेटे के लिए हैं अभी। और एक है इनो का पूरा पैक, और ये है टैंक क्योंकि गर्मियों में इसकी ज़रूरत होती है। हींग है, और लेकर आई हूँ साबुतदाना क्योंकि इस ये भी यूज़ होता रहता है। और एक लेकर आई हूँ गोल्डी की ही, जो थोड़ी तीखी होती है ना, ये भी साथ में रखती हूँ। ये है लिज्जत पापड़, पापड़ भी यूज़ होता है। और ये है तिल का तेल जो पूजा के लिए लेकर आई हूँ। और 2 हैं फॉर्चून के सरसों का तेल, क्योंकि 2 मेरे पास पहले से रखे हुए थे। और ये लेकर आई हूँ इस बार मैं जेंटल का लिक्विड वॉश लेकर आई हूँ मैं मशीन के लिए, और इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ और देखती हूँ इसको ये कैसा निकलता है। और लिक्विड में है और ये 1 के साथ 1 था। और ये है मैजिक का एक पाउच आता है, छोटा सा पाउच आता है, इसको डाइल्यूट कर लिया है इस बॉटल में, बॉटल के साथ ही आया था ये, तो इसको डाइल्यूट करके रख लिया है और देखते हैं कैसा निकलता है। फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ उसको भी मैं। और रिन लेकर आई हूँ मैं 1 kg, क्योंकि अभी मेरे पास पाउडर जो है ना वो अभी रखा हुआ था। और 5 kg लेकर आई हूँ मैं डेली इंडिया गेट का, डेली जो आता है ना, डेली यूज़ करते हैं हम वो वाला चावल। और इसके अंदर है पोहा है, 2 kg लेकर आई हूँ मैं पोहा। और दालें लेकर आई हूँ क्योंकि दालें मेरे पास पहले से रखी हुई थी, तो मैं 1 kg लेकर आई हूँ राजमा, और 1 kg लेकर आई हूँ अरहर की दाल। बाकी दालें घर में रखी हुई थी इस वजह से मैं वो लेकर नहीं आई हूँ, पहले वो यूज़ हो जाएंगी मैं तब उनको बाकी और लेकर आऊँगी। और ये देखिए ये राजमा है, इसके अंदर फट गया था ये। और ये जो है ना, ये बैग मैंने लिया था विजय चौक से, काफ़ी अच्छा बैग है क्योंकि उस टाइम पर मैं कुछ लेकर नहीं गई थी, तो मुझे अच्छा लगा ये बैग, मैंने ये बैग वहाँ से ख़रीद लिया। काफ़ी मतलब सामान आ गया था इसके अंदर, तो ये ले लिया था, मुझे अच्छा लगा ये बहुत ज़्यादा। तो चलिए, इस सामान को मुझे कंटेनर में भरना है और जो एक्स्ट्रा सामान है उसको मैं रख दूँगी अलग से। तो कुछ डब्बे मैंने दिन में, मतलब एक पहले वाली वीडियो जो थी उसमें देखा होगा आपने, मैंने धो के रख दिए थे तो वो अच्छी तरीके से सूख गए थे, और इनको मैं अब ट्रांसफ़र कर देती हूँ कंटेनर में।
साथ के साथ ही रख दूंगी, क्योंकि ये देखिए घी भी मेरा एक साइड में बना रखा है जो मैंने सुबह बनाया था, मतलब दोपहर को ही बनाया था जाने से पहले, तो वो ऐसे ही रखा हुआ था क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा गर्म था और मैं फिर चली गई थी। और चलिए फटाफट भर लेते हैं इसके अंदर अपना सारा सामान। और ये थोड़े से राजमा रखे हुए थे पुराने, तो मैंने उसको ऊपर की साइड रख दिए क्योंकि यूज़ हो जाएंगे वो जल्दी से। और ये था हल्दी का डब्बा, और इसको मैं जब भी धोती हूँ ना इसका कलर ही नहीं जाता है, और हल्दी मेरी ख़त्म ही हो चुकी थी, जो भी मेरी मसालेदानी में थी वही थी। तो पोहे को भी मैं एक पैकेट को खोल लेती हूँ जो एक उसमें है, और दूसरा वाला जो है ना वो रख दूँगी क्योंकि जब ये खाली हो जाएगा तब उसके अंदर भर दूँगी उसको। और ये है मेरा कंटेनर जिसमें मैं एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ, तो क्योंकि मैं देख करके नहीं गई थी कि क्या सामान रखा है क्या नहीं, फिर तो बस थोड़ा सा आइडिया था, लेकिन दालें रखी थी वो दालें भी आ गई हैं दोबारा से, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं वो अगले महीने काम आ जाएंगी। और मैं यही चेक कर रही थी कि कौन सी दाल रखी है कौन सी नहीं रखी है, क्योंकि वहाँ जाके फिर मुझे पूरी तरीके से मतलब कन्फर्म नहीं थी कि मैं क्या चीज़ रखी है क्या नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा था मुझे। तो चलिए इनको भी रख दिया है मैंने एक्स्ट्रा सामान को, और अभी किचन में जो फैल गया था उसको कर देते हैं क्लीन। और मैं ये देखिए ये वाली दाल भी मेरे पास पहले की रखी हुई थी तो मैं ये नहीं लेकर आई थी, और इनको अब अच्छे तरीके से भर देती हूँ, अजवाइन वगैरह जो भी हैं इन सबको फिल कर लेती हूँ क्योंकि साथ के साथ काम हो जाएगा ना, क्यों और ये चीज़ें ना ख़त्म भी हो रही थी, इसी चक्कर में मैंने सोचा चलिए आज हम आए तो हैं ही और सामान भी ख़रीद लेते हैं घर का। वैसे तो मैं 3 महीने का सामान ले आते हैं जब हस्बैंड जाते हैं, लेकिन उतना फिर हमसे उठता नहीं है तो इस वजह से नहीं लाते हैं। और चावल भी मेरे 1 या 2 दिन के ही रह रहे थे, मतलब 1 या 2 बार ही बनते, तो इसलिए फिर चावल भी ले आई थी। और अब चलिए दोबारा से मैंने घी को कर लिया है गर्म, तो इस थोड़ा सा ही करना पड़ता है घी को गरम, और अब मैं इसको कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देती हूँ क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था तो बड़ी वाली छन्नी से नहीं किया था मैंने। और चलिए अब दिखाती हूँ मैंने जो विजय चौक से शॉपिंग की है, शॉपिंग में नॉर्मल सी की है जो घर में डेली के लिए चाहिए मुझे कॉटन के। और अभी मैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि सूट मैं बार बार अलमारी से निकालती थी और बाहर रखती थी, वो सूट मैं डाल करके आ गई हूँ टेलर के पास। और ये देखिए ये लेकर आई थी मैं सूट, और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, लेकिन ये थोड़ा साइज़ बड़ा आ गया है जल्दबाजी में, इतना ध्यान नहीं दिया था, ये मैंने शायद एक्सल आ गया है ये, तो एक्सल नहीं आता है मुझे तो ये मैं चेंज कराऊंगी, पर ये बहुत सुंदर था। और इसके साथ एक और है ये कुर्ता, ये भी कॉटन का है, ये सिर्फ मैं अपने घर में ही डालने के लिए लाई थी, मैंने इतनी ज़्यादा कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की है क्योंकि अभी मैं सूट डाल करके आई हूँ। तो देखिए कैसे भी समझिए आप, ये वाले समझिए या वो समझिए, जब वो सिल कर आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, लेकिन इसका ना इसका ये जो है ना गले पर जो बना हुआ है ये सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है, इसके अंदर पल छोटे छोटे से जो मोती होते हैं ना वो लगे हुए हैं बारीक बारीक से, और बहुत ही वी नेक का गला है इसका, बहुत ही सुंदर है ये, मुझे तो बहुत सुंदर लगा। और मेरी आदत है घर में मैं कोई चीज़ लेकर आती हूँ और जैसे ही हस्बैंड आते हैं ना मैं उसे दिखाना शुरू कर देती हूँ, शुरू से ही आदत है, पहले अपने मायके में अपने पापा को दिखाती थी और यहाँ पर इनको दिखाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और ये कि था प्लाजो, तो एक प्लाजो लिया है मैंने, और इसके नीचे मैं देखती हूँ क्या लगाऊँगी, वाइट लगाऊँगी पैंट या फिर ब्लैक लगाऊँगी। तो चलिए और अब बनाना है मुझे डिनर, तो डिनर का टाइम हो गया है क्योंकि ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था, और उस दिन जो है ना बर्थडे वाले दिन खाना नहीं बनाया था रात को क्योंकि खाना बाहर से आया था, और खाना खाते समय कोई वीडियो नहीं बनाया था या ज़्यादा शूट नहीं किया था, ना ही कोई ज़्यादा मेरे पास क्लिप हैं बर्थडे की, बर्थडे जिस दिन मतलब बर्थडे था तो केक वगैरह काटने की बहुत छोटी सी क्लिप है, ज़्यादा नहीं शूट किया। और क्योंकि वैसे भी ना मैं जब आई थी तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, और वो तो बेटे ने सरप्राइज़ दे दिया था, मुझे पता भी नहीं था कि बेटे ने पहले से ही केक का ऑर्डर कर रखा है और उसने अपने फ्रेंड्स के घर रखवा दिया था, मतलब उसका फ्रेंड ही लेकर आया था तो मुझे पता ही नहीं चला था, और मुझे अचानक उसने सरप्राइज़ दे दिया। मैं बोल रही थी बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है, तो कहने लगा मम्मा कोई बात नहीं आप केक काट लो और पापा भी आ जाते हैं, वो भी जल्दी ही आ गए थे और खाना वगैरह ऑर्डर करके मंगा लिया था। तो अब बनाना है मुझे डिनर, तो डिनर में मैंने एक सब्ज़ी बनाई है तोरी की,
और ये मेरा मन कर रहा था करेले खाने का, तो मैंने फटाफट से 3-4 करेले रखे हुए थे, उनको काट करके बना लिया है और बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, और लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे वो। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से काम अपने, और इसके बाद बनानी है मुझे रोटी। और चलिए बनाते हैं रोटियां, क्योंकि भूख लग भी लग रही है और टाइम भी हो गया है खाने का। तो खाना खाने के बाद फिर मुझे किचन भी क्लीन करना है, क्योंकि रात को किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। और गाइस एक बार सॉरी फिर से, क्योंकि ये वीडियो आपको थोड़ा लेट मिल रहा है, क्योंकि मेरी वहाँ से आने के बाद तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने आज आज ये मुझे वीडियो डालना था, लेकिन ये मैं कल डालूँगी, तो उसके लिए सॉरी। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब